गाइस तो स्वागत है आज के इस ब्लॉग में और स्वागत है आपके अपने चैनल कैप्टन ब्लॉग्स पे। और गाइस यार अभी हम जस्ट आ रहे हैं कॉलेज से और एक चीज़ जो हम मेंशन करना चाहेंगे वो है भाई कॉलेज में कुछ हो या ना हो आपके पास एक पर्सनल व्हीकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अब महंगाई भी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि यार अब फ्यूल कॉस्ट ये वो। हाँ एक चीज़ है कि आपका व्हीकल सब जगह जाएगा आपके जो फ्रेंड्स होंगे या सब कुछ तो उस पर आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना बनता है। बट यार लिटरली एक चीज़ बताओ अभी हम नियर अबाउट 30 मिनट से पहले कॉलेज से निकले और 30 मिनट से बस पे बैठे हुए हैं अब जाके हम रूम पे आए हैं। भाई इतना जो मेरा वेस्टेज हुआ है ना इस टाइम का इसमें हम आके अभी तक फ्रेश फ्रेश होके तो यार अब जाके हम फ्रेश होंगे अब जाके फिर ब्लॉग एडिट होगा। और हाँ अभी हम आ गए हैं जल्दी से रूम पे क्योंकि अब मेरे को ब्लॉग एडिट करने का कल का जो ब्लॉग था कल नहीं उसके पहले का जो ब्लॉग था वो आ चुका है चैनल पे और जो आज आने वाला है मतलब कल का ब्लॉग डे 18 का ब्लॉग भाई साहब क्या मस्त प्रैंक किए ग्रीष्मा पे वो प्रैंक जाके देखो यार मजा आएगा। हाँ थोड़ा गाली पड़ सकता है बट नहीं गाली नहीं पड़ना चाहिए मजा आने वाला है यार उस प्रैंक पे। और बने रहो कैप्टन ब्लॉग्स पे अभी करते हैं फटाफट से एडिटिंग। और आज का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा बिजी है यार इतना ज्यादा बिजी है लाइक हम एक क्लास अटेंड भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे को जाना है आज लॉ कॉलेज। हमारा एक सब्जेक्ट लॉ कॉलेज से है और बाकी सारा सब्जेक्ट यहाँ से है मतलब अपने नॉर्मल सीएससी से। तो यार अब जाना है लॉ कॉलेज भी आफ्टरनून 1:45 से क्लास है तो ग्रीष्मा मेरा एक प्रॉक्सी लगाएगी जो है कंप्यूटर नेटवर्क से क्लास पे तो एक प्रॉक्सी ग्रीष्मा लगाएगी उसके बाद फिर हम यार 4:00 को डायरेक्ट आएंगे अपने कॉलेज में और तब तक एक क्लास मेरा शुरू भी हो चुका होगा यार। तो बस मिलते हैं आप सबसे एडिटिंग करने के बाद। अभी हम कर रहे हैं एडिटिंग और यार जरूर देखना इस वीडियो को जो पुराना वाला वीडियो है ये तो आज आएगा और जो इस ब्लॉग को देख रहे हो देखो एक बारी। हम इस ब्लॉग का बात कर रहे हैं जो कि है ब्लॉग नंबर 18 तो इसको देखना यार बिल्कुल बिल्कुल बनता है क्योंकि यार मजा आने वाला है। और अगर इसको देख रहे हो ना तो यहाँ पर एक पार्ट है जहाँ लिख के आएगा सी इज स्केयर्ड बिकॉज वो आंख बंद नहीं करना चाहती है। तो यार उससे जो पहले वाला ब्लॉग था ब्लॉग 17 या 16 इसके साथ एक प्रैंक हुआ है एक प्रैंक तो यार उसको देखना बिल्कुल बनता है भाई बहुत मजा आएगा। भाई अभी हम खाना खा के बस आए हैं और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो चुका है यार मैक्सिमम। और जस्ट गर्मी देखो यार देखो इतना ज्यादा भाई सब बोल रहा है। अभी एक अंकल मिले थे मतलब वो हम ही लोग के साइड के हैं यहाँ पर कोई कोई नॉर्थ साइड का मिल जाता है तो वो लोग बात कर लेते हैं तो जो अंकल मिले थे वो ऐसे बोल रहे हैं यहाँ ऐसा गर्मी है कि लग रहा है कि स्किन पूरा जल जाएगा बाहर जाओ तो ऐसा लग रहा है कि लिटरली कोई आग लगा दिया है इतना ज्यादा गर्मी इतना ज्यादा गर्मी। और हाँ ग्रीष्मा निकल चुकी है क्लास के लिए और हम निकलेंगे अभी लगभग कितना हुआ टाइम अभी 1:50 हो रहा है और हम निकलेंगे नियर अबाउट 2:30 को यहाँ से और फिर आएंगे रिटर्न बैक को 4 को फिर ग्रीष्मा से आप लोग सबको मिलाएंगे। और गाइज जो ये वीडियो चेकआउट नहीं किए हैं जो आ चुका है कल डे 18 का है प्रैंक ऑन हर ऑरेंज थंबनेल होगा तो जा गया जल्दी चेक करो क्योंकि वो वीडियो भाई जबरदस्त है। और उससे जो पहले वीडियो है एक प्रैंक ऑन हर चेक कर लेना एक बार चैनल पे तो यार वो भी अच्छा है बहुत मजा आएगा देखने में। और भाई जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना कर दो ना यार अब इतना अच्छा अच्छा कंटेंट ला रहे हैं इतना अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं अब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर अंदर से मोटिवेशन का कमी होता है क्या लगता है क्या हो रहा है। गाइस यार हम तो रेडी हो गए और टाइम हो रहा है 2:19 तो अब निकलना पड़ेगा ग्रीष्मा जा चुकी है अपने क्लास में उसका क्लास ओवर होने पे है और हम अब जा रहे हैं क्लास को हम बेसिकली जा रहे हैं अभी लॉ कॉलेज को लॉ कॉलेज के बाद सीधे जाएंगे ग्रीष्मा के पास। और ग्रीष्मा का फरमाइश था आज कि उसको यहाँ का नूडल्स खाना है तो बेसिकली हम अभी नूडल्स पैक करवा के आ रहे हैं तो चलते हैं लॉ कॉलेज की तरफ फिर मिलते हैं ग्रीष्मा से। और ग्रीष्मा से मिलने से पहले एक और क्लास होगा जो कि ग्रीष्मा के साथ ही होगा तो फिर मिलेंगे और आपको भी मिलवाएंगे ठीक है। सबसे मुश्किल काम है इस गर्मी में चलना तो यार हम लॉ कॉलेज आ चुके हैं और ये देखो क्या कलाकारी है भाई ओह 10 out of 10 ऐसा लग रहा है ये किसी टीचर का है जिसको ये बच्चे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करता है यहाँ पर और ऐसा बना दिया यार वाह 10 out of 10। जब लॉ कॉलेज में है तो लॉ कॉलेज का एक कहानी सुनाना बनता है जब यहाँ पहला दिन आए थे ना तो हमारे जो फैकल्टी साहब थे वो बेसिकली ये क्लास है स्क्रिप्ट राइटिंग का जो मेरे को बस क्रेडिट्स कंप्लीट करने के लिए लेना पड़ा है
तो वो जो फैकल्टी है ना भाई, आके मेरे को इतना मूवी का डायरेक्टर, इतना सारा मूवी हीरो एंड ऑल काउंट करवा दिए भाई, जन्म से इतना देखे नहीं होंगे जितना उस अकेला को पता है भाई, गजब। और सारा तमिल मेरे तो दिखाते हैं एक व्यू लॉ कॉलेज का, ये है भाई लॉ कॉलेज। और ये है हमारा क्लास जिसमें कोई नहीं है, अकेले हमें। ग्रेट सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, सारे बोलो। कोई नहीं बोलता है। और भाई अगर कोई ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, मतलब स्पेशली बच्चा लोग, बोले तो कॉलेज का बच्चा लोग या कोई भी नॉट कॉलेज का बच्चा लोग, जो भी नॉर्मल ट्वेल्थ से अब आने वाले हैं कॉलेज में, तो यार ट्राई ये करो ना कि जहाँ पर कम गर्मी पड़ता है ट्राई करो ऐसा कॉलेज टारगेट करने का, क्योंकि यार हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर ऐसा गर्मी होगा। हाँ पता था कि यार गर्मी होगा, पर ऐसा नहीं पता था भाई कि सीधा दे चल जाएगा। और भाई अब पता नहीं मेरे को करना क्या है। देखो 3-5 हो गया है, टीचर का कोई अता पता नहीं है, और क्लास शुरू होना चाहिए था 2:45 से। ग्रेट सक्सेस गाइस, ये है कॉलेज का सच्चाई। देखो यार 3:23, टीचर का कोई अता पता नहीं यार, इतना ट्रैवलिंग, इतना धूप में आना जाना सब बर्बाद, और इतना ज़्यादा फटी होता है ना दिमाग में, इतना ज़्यादा प्रेशर टेंशन। अब दूसरा क्लास है, अब उसके लिए भागना है, बहुत बहुत मेहनत लगता है और बहुत दिक्कत होता है। चलते हैं तो, अब निकलते हैं यार अपने दूसरे क्लास के लिए। ये क्लास तो हुआ नहीं और अपना कट गया, ठीक है गाइस। यार लो मिल लो ग्रीष्म से बहुत देर बाद। Hey guys. आवाज भी नहीं आया। आ रहा, बस तेरे को नहीं आया। पता नहीं किस खुशी में ये भी थक गई है। मतलब ओवर एक्शन मत कर, तो एक क्लास अटेंड हुआ, हम दो अटेंड हो गए हम एक क्लास अटेंड करने के लिए ना यहाँ से इतना दूर चलना पड़ता है। इतना दूर जाके अभी ये अटेंडेंस नहीं लेके आए हैं, हम दो क्लास गया, ये आदमी प्रेजेंट नहीं था, फिर भी हम अटेंडेंस, मतलब इसका अटेंडेंस। गाइस अब फैकल्टी नहीं आ रहा तो फैकल्टी क्या बोले कि आओ तुम और मेरे को अटेंडेंस दो। हैं, रखो कंट्रोल पर रखो तो। ये देखो यार भुक्कड़ ग्रीष्मा को, भुक्कड़ ग्रीष्मा पूरा ओ हो मजेदार स्वाद लेते हुए कुछ नहीं बोलेगी अभी, बस मुंह में टूटते जाएगी एकदम, टूस। अब कौन टूस रहा है, अब कोई कुछ बात ही नहीं करेगा, बस टूसते जाएगा। और गाइस बैठ के पूरा कैंटीन दिखेगा, साहब ना क्या कर रहा है, लाइन मार रहा है सब। तो देखो जितना मासूम है दिखता है ना, उतना मासूम तो है ही नहीं। अबे साले देखो गाइस, वहां कोई लड़की भी नहीं है, लड़का कोई लाइन मार रहे तो बड़ा हरामी हो बेटा। तो गाइस ग्रीष्मा को ही बोलते हैं भाई, और हम भी चलते हैं अब रूम की तरफ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बी अपडेटेड।